हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले व्हाई स्विंग ट्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली किसके लिए होनी चाहिए, बिगिनर्स। सेकंड, जो ऐसा काम करते हैं जिनको अपने वर्क में एकदम बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता स्टॉक मार्केट डेली वॉच करने का, तो उनके लिए बेस्ट है। सेकंड हो गए वो। थर्ड हो गए जो मतलब हाउस होल्ड्स वुमेन्स या हाउस वाइफ्स, उनके लिए, और टीनेजर्स और जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग। ये हो गया किन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अब कैसे करें और क्यों करना चाहिए, पहले हम क्यों करें इसका जवाब देते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंट्राडे की नेगेटिविटी पॉइंट्स आपका बेनिफिट इधर मिलेगा, जैसे उसमें डेली वॉच करना, मार्केट टेंशन स्ट्रेस और भी कई सारे चीज़ें जो आपको इफेक्ट करती है, और उसमें मतलब इंट्राडे करते तो आपको लॉस भी ज़्यादा होता है। ओके, और अब आते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के भी नेगेटिव पॉइंट्स के यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे इन्वेस्टिंग में बहुत लंबे समय तक हम होल्ड करते हैं, उसकी वजह से हमारा बहुत चंक ऑफ मनी ब्लॉक रहता है, और जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम मोस्टली अपना कैश इन्वॉल्व रखते हैं, उसमें हम मार्जिन का यूज़ नहीं करते, उससे हमारा थोड़ा हमें उससे भी प्रॉब्लम होती है। ओके, यहाँ पे आ गए, हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि क्यों करनी चाहिए। अब आते हैं कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल है, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ओके, सबसे बेसिक चीज़, क्योंकि आप थोड़े लंबे समय तक होल्ड करने वाले हैं। जैसे मैं कहूँगा स्विंग मोस्टली 3 मंथ्स भी चलेगा, शॉर्टर देन 6 मंथ और 2 दिन से ज़्यादा। ठीक है, तो 2 दिन से ज़्यादा और आप 6 महीने या 15 दिन, मैं तो 2 दिन से 15 दिन वाला स्विंग ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो भी चलेगा अगर बढ़े। अगर आप 15 दिन के बीच में रखते हैं तो इसके बीच में अगर कोई इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ हुई या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई पॉलिटिकली जिससे आपके स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको उसका मतलब प्रॉफिट में आपकी कमी होगी या आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। अब अगर उस लॉस से बचना है आपको तो सिंपल एक ही चीज़ करनी है कि ऐसे स्टॉक ढूंढने जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ब्लू चिप स्टॉक्स हो। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स होंगे तो वो थोड़े महंगे होते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रिक आप खेल सकते हैं कि जहाँ पर है ना आपको थोड़े से ये छोटे मतलब थोड़े स्मॉल अमाउंट वाले शेयर्स लेने होंगे ताकि आप क्वांटिटी में बाय कर सको, से 50 रुपये या 150 वाले। अगर 50 रुपये वाला एग्जाम्पल करें, 50 रुपये वाला आपने स्टॉक्स बाय कर दिया है, अगर आपने 50 रुपये वाला स्टॉक्स बाय कर दिया है तो आपको क्या होगा, तो आप 100 क्वांटिटी खरीदते तो 5000 रुपये आप डालेंगे, और अगर वो 60 रुपीज़ हो जाता है तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। 5000 रुपये 1000 मिल जाएगा 15 दिन में या 7 दिन में। अब ये टेक्निक सुनने में बहुत ईजी लग रही है और करने में भी बहुत ईजी है, लेकिन इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक, कि आपका मनी 15 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा अगर आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कैश आप जो 5000 रुपये डाल रहे हैं वो ऐसा कैश होना चाहिए जो आप मतलब जनरली अपने कपड़े या ब्रांडेड शूज़ में आप खर्च कर देते थे मोस्टली, या कोई पार्टी या अपने बर्थडे पार्टी में इन्वेस्ट कर देते, वेस्ट कर देते या इन्वेस्ट कर देते जो भी है, तो उसके लिए भी काम आता। अब सेकेंड, अब बात आ गई कि मैंने डाल दिया पैसा, अब हो गया, अब वो पैसा तो अटक गया, तो दूसरा, इसलिए आपके पास मेरे हिसाब से अगर 15000 का पोर्टफोलियो तो आपके पास 3 ऐसे स्टॉक्स होंगे, जैसे एक स्टॉक जो आपने चूज़ कर लिया कि ये मैं इसके साथ मैं जाऊँगा तो इससे स्विंग आप स्टार्ट कर दिए। सेकेंड, आपके बीच में ही आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला स्टॉक है इसको भी करना है, तो आपने नेक्स्ट 5000 डाल दिए। तीसरा वाला 5000 आप रिजर्व रखेंगे, जैसे ही कुछ भी न्यूज़ आते हैं या कुछ भी होता है तो आप उसको अंदर डाल सकें। अब ये मैंने बताया स्टूडेंट्स हाउसवाइफ्स हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन यही अगर वो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जो अपना वेकेशन पे जाना चाहता है, ब्रेक लेना चाहता है 15 डेज का, उसको भी ये टेक्निक एकदम सिंपल ही कर सकता है। उसको करना कुछ नहीं होगा, वो अपना स्केल मल्टीप्लाई कर देगा, जहाँ मैं 50 रुपये वाला शेयर बोल रहा था वो 500 से 5000 तक जा सकता है, और जहाँ मैं बोल रहा था कि क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, अच्छा क्वांटिटीज़ क्यों इंक्रीज़ करनी चाहिए पहले मैं वो भी बता दूँ। क्वांटिटी इंक्रीज़ करने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर 100 है, 100 शेयर्स हैं, 50 रुपये का 51 हो गया प्राइस, आपने 50 रुपये में खरीदा 51 हो गया, 100 रुपये आपको मिल रहा है, आप 100 रुपये ले लीजिए, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज कटो, फिर भी आप एग्जाम्पल के लिए 60 रुपीज़ तो घर पर लेके जाएंगे, ये इंक्रीज़ कर दीजिए, वो प्रॉफिट अमाउंट 10 रुपये इंक्रीज़ हो गया तो 1000 रुपये आपको मिल रहा है। ज़्यादा से वापस से मैं बोलूँगा कि 40 रुपीज़ कट रहे तो आपके पास 960 रुपीज़ के सम अमाउंट आप घर पे लेके जा रहे हैं,
ओके, अब मैं ज़्यादा मूवमेंट कर रहा हूँ तो उससे शायद से आपको अच्छा नहीं लगा। और हाँ, मैं फास्ट क्यों बोलता अपने वीडियो में, मैं अपने वीडियो में इसलिए बोलता हूँ अगर स्टार्टिंग इस कुछ टाइम पे अगर मैं फास्ट नहीं बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, मेरे को नहीं बनाना, मुझे 8 मिनट में इसको लमसम का तक बना। अब आ गए हम कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होगी, सब आप जान लिया किसके लिए, लेकिन अभी भी एक डाउट है कि वो स्टॉक्स कैसे ढूंढूं यार, घर पे बैठ के नहीं मिलेंगे, वो स्टॉक्स मिल जाएंगे, थोड़ा आपको रिसर्च करनी होगी, थोड़े यूट्यूब पे वीडियो सीखिए कि कैसे करते। अरे यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर फ्रीली अवेलेबल, दैट्स वाई आई रिकमेंड यूट्यूब। अगर कोई आपके पास पेड कोर्स करने हैं आपको, तो किसी के पेड कोर्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऑफर करते हैं, आप उनका ले सकते हैं, और कुछ नहीं। अब आते हैं कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये चीज़ मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ क्योंकि अगर जो इतने तक वीडियो देख रहा है, या तो उसके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है वो सीखने के लिए देख रहा है ये वीडियो, या सेकंड उसको डीमैट अकाउंट से कुछ मतलब नहीं, उसको पहले ज्ञान लेना है उसके बाद चालू करना है, तो जैसे भी कैटेगरी में आप आते हो, अगर आप अब उस कैटेगरी में आ गए हैं कि आपने सीख लिया है और अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में जाना है, तो आपको डीमैट अकाउंट लगेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो। कैसे करना है वो मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर आप चैनल पेज पे जाओगे फर्स्ट वीडियो है हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, उसमें से आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, और बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद की गेम अलग आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन पहले पैड वैड सब पहन के तो चलिए, वरना प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगी। चलो सी या टेक्निक्स के, और बी गुड टू अदर्स, बाय।